हेलो किड्स है यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन सो इन द लास्ट लेक्चर विदिथ चैप्टर नंबर एटीन दैट वॉज सेंटेंसेज नाउ आपको मैंने समझाया कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कैसे सेंटेंसेस बनते हैं नाउ टूडे वी विल डू अहेड ओके कल मैंने आपको कौन सा कौन सा बताया था सेंटेंसेस में कि सेंटेंसेस कौनसेप्ट टाइप के पहले तो सेंटेंसेस मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मैंने आपको ये बताया था जो हमको क्या देता है कंप्लीट थॉट देता है एंड उसमें क्या क्या होता है मिक्स वर्ब और सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंबाइन द सेंटेंस उसमें कंबाइन होता है फिर कौन से कौन से उस टाइप के मीनिंग देता है मीनिंग मतलब कि कौन से कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं लाइक भाई स्टेटमेंट सेंटेंस क्वेश्चन क्वेश्चन वाले सेंटेंस कमांड वाले मतलब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कोई भी वो वाले सेंटेंस या तो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस जो सडनली आपको आता है ओके okay? सो so, ऐसे ऐसे टाइप होते हैं सेंटेंस के उसमें हमने पहले कौन सा देखा था कल हमने स्टेटमेंट वाला देखा था सॉरी नेगेटिव सेंटेंस देखा था राइट right? हमने कल कौन सा देखा था नेगेटिव वाला देखा था जिसमें हमने किसका यूज किया नो और नॉट का ओके okay? जिसमें नो और नॉट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे राइट हमने वो कल किया था सो so, आज हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस करेंगे अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं आपको पता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं आपको पता है हमने जब कैपिटल लेटर किया था तब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है जब डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन आते हैं वॉट वैन हाउ हु वेर विच वाई हुज़ ऐसे जो वर्ड्स है डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं तो सेंटेंसेस भी ऐसे ही बंदे होंगे ना जैसे डब्ल्यू एच वॉट वाले क्वेश्चन डब्ल्यू एच वाले वर्ड से अगर क्वेश्चन बनता है सपोज वॉट इज योर नेम ये भी एक सेंटेंस हुआ बट कैसा सेंटेंस हुआ ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हुआ कैसा सेंटेंस हुआ क्वेश्चन वाला सेंटेंस फिर आप ऐसा मुझे आप ऐसा बताओ कि सपोज योर नेम इज़ राहुल आप मुझे क्या बोल माय नेम इज राहुल ये वाला सेंटेंस वाला नॉर्मल सेंटेंस है ये वाला स्टेटमेंट सेंटेंस है गॉट इट सो आज हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस करेंगे लेट सी क्या दिया गया है उसमें सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर ओके? लेट्स सी क्या दिया है रीड दिस द वर्ड्स इन ब्लू आर क्वेश्चन वर्ड जो आपको ब्लू में वर्ड दिया गया है वो कौन से वर्ड्स है क्वेश्चन वाले वर्ड है अभी आपको तो पता है क्वेश्चन वाले वर्ड कौन से होते हैं डब्ल्यू एच वाले और डब्ल्यू एच वाले मतलब वॉट वैन वेर why, वीच हाउ हाउ मच हाउ मैनी दिस ऑल आर क्वेश्चन वर्ड ओके डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन नाउ अभी हम रीड करेंगे और आगे और भी ज़्यादा समझेंगे लेटर से इधर ग्रैंडमा एंड सीमा दोनों सी दिस इज ग्रैंड मा एंड दिस इज सीमा वो दोनों फोन पे बात कर रहे हैं ओके सो देखो ग्रैंड मा सीमा को क्या क्वेश्चन करते हैं और सीमा उसका क्या आंसर देती है लेट सी दोनों के कन्वर्जेशन हो रहा है दोनों के बीच में क्या कन्वर्जेशन हो रहा है लेट सी और फिर हम समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और किसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलते हैं ओके सो वॉट वॉट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थ डे वॉट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे सीमा दादी सीमा को क्वेश्चन पूछ रहे कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे में क्या चाहिए वॉट मतलब क्या क्या चाहिए तुम्हें बर्थडे में सीमा ऐसे दादी पूछ रहे है तो ये वॉट वाला क्वेश्चन आया डब्ल्यू एच वाला सो so ये क्वेश्चन है प्लस आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है जब पीछे क्वेश्चन मार्क होगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है और जब सेंटेंस डब्ल्यू एच वाले वर्ड से स्टार्ट हो गए समझे आप किसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलते जिसमें फर्स्ट आपको डब्ल्यू एच वाले वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस और जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क होगा गॉट इट सो दादी ने पूछा ग्रैंड ने पूछा सीमा को क्या तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट चाहिए सीमा तो सीमा ने क्या आंसर दिया इसे स्टेटमेंट बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस आई वांट अ साइकिल ग्रैंड मुझे साइकिल चाहिए इधर देखो पहले कोई भी डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन आया नो no. धैन पीछे क्वेश्चन मार्क आया नो सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन सेंटेंस दिस इज अ स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है गुट तो है नॉर्मल सेंटेंस है क्यों है नॉर्मल सेंटेंस बिकॉज इसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन से नहीं हुआ और ना ही लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क है सो so, फिर क्या हुआ साइकिल डू यू विन कौन सी साइकिल चाहिए विच मतलब कौन सी पूछे कौन सी साइकिल तुम्हें चाहिए इसमें डब्ल्यू एच वाले वर्ड से स्टार्टिंग भी हुआ एंड एट लास्ट क्या है क्वेश्चन मार्क है So, ये वाला कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ क्वेश्चन टाइप सेंटेंस इसको क्या सेंटेंस बोलेंगे हम क्वेश्चन सेंटेंस फिर देखते हैं सीमा ने क्या आंसर दिया दादी ने सीमा को पूछा तुमको कौन सी वाली साइकिल चाहिए आई वॉन्ट साइकिल विथ अ बास्केट इन फ्रंट मुझे साइकिल चाहिए बास्केट वाली जो आगे होगा बास्केट आपके पास भी होगा ऐसे साइकिल में आगे एक बास्केट होगा छोटा सा जिसमें आप आपकी चीज़ रख सकते हो सो so, सीमा ने भी बोला मुझे साइकिल चाहिए जिसमें आगे बास्केट होगा आप अभी ना वो प्रिपोजिशन वाला याद करो इन फ्रंट आया था ना आपको प्रिपोजिशन में इन फ्रंट इन फ्रंट मतलब आगे साइकिल के आगे ओके सो so, इसमें देखो डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन यूज़ हुआ नहीं फिर क्वेश्चन मार्क हुआ नहीं तो ये क्या है ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है तो क्या है ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है गॉट इट सो फिर क्या पूछा ग्रहण ने वाई डू यू वॉन्ट अ बास्केट इन फ्रंट तुम्हें बास्केट क्यों चाहिए वाई मतलब क्यों क्यों चाहिए तुम्हें बास्केट वाला साइकिल सी इसमें डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन आया एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है सो इट इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस फिर निशा हैज़ वन आई रियली लाइक इट फिर मे बी सीमा की फ्रेंड होगी निशा तो निशा आ, क्या बोल रही है सीमा कि निशा के पास भी है मुझे वो बहुत पसंद है सी इसमें डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन आया इधर नहीं आया क्वेश्चन मार्क आया नहीं आया तो ये क्या है स्टेटमेंट है बट सी इधर एक ई वाला साइन है अब इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मतलब उन उसने ये एक्सक्लेम किया ये आपके पोर्शन में नहीं है एक्सक्लेमेशन बट आपको इधर दिया गया है यू शुड नो दैट इस, इस साइन को क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन साइन इसको क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं उसने एक्सक्लेम किया ओके okay? सो so ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ कौन सा सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी ओके दिस इज फॉर योर नॉलेज आपके बुक में नहीं दिया गया बट इधर साइन है सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस साइन को क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेशन ओके सो उसने एक्सक्लेम किया कि निशा के पास है और मुझे वो बहुत पसंद है ग्रैंड so, ग्रैंडमा ने क्या पूछा इसको हु इज निशा निशा कौन है Who मतलब कौन? कौन है ये निशा सो so, इसमें डब्ल्यू एच वाला भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क भी है सो इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस देन क्या दिया आंसर सीमा ने शी इज माई फ्रेंड ग्रैंड मा वो मेरी दोस्त है ग्रैंड मा वेन कैन वी बाय द साइकिल सी फर्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट जो स्टेटमेंट हो वो सिंपल स्टेटमेंट है इट्स अ स्टेटमेंट बट उसके बाद वाला तो आप सेंटेंस देखो सी ये वाला देखो आप वैन कैन वी बाय द साइकल डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है येस लास्ट में क्वेश्चन मार्क है येस सो वॉट इज दिस दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस गट इट दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस बिकॉज डब्ल्यू एच वाला वर्ड दिया है एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एंड में क्वेश्चन मार्क है गॉट इट फिर ग्रैंड मा ने क्या बोला वी विल गो सून हम जल्द ही जाएंगे गॉट इट फिर वी विल गो सून इसमें डब्ल्यू एच वाला तो क्वेश्चन है नहीं ना ही क्वेश्चन मार्क है सो so, ये वाला एक सिंपल स्टेटमेंट है फिर वेर विल बी बाई इट फ्रॉम हम कहाँ से खरीदेंगे है हाउ विल बी ब्रिंग इट होम हम कैसे लाएंगे सी दोनों सेंटेंस डिफरेंट है पर दोनों क्वेश्चन वाले हैं बिकॉज डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क भी है एंड मैंने आपको बताया था पता है हाउ भी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन में इंक्लूड होता है मैंने आपको बताया था ना इसके पहले कैपिटल लेटर में जब क्वेश्चन मार्क आया था कि एच ओ डब्ल्यू हाउ भी डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन में इंक्लूड होता है ओके okay? सो so, ये भी डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है हाउ भी डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है वो आया एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क आया सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन सेंटेंस गट इट फिर डोंट वरी सीमा ग्रैंड मा आई विल डू एवरीथिंग ग्रैंड पा एंड आई विल डू एवरी थिंग मतलब ग्रैंड माँ बोल रहे हो तुम चिंता मत करो मैं और तुम्हारे ग्रैंड पा दोनों साथ में सब कुछ मैनेज कर लेंगे सी इधर भी देखो आप आया कहीं भी डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस नहीं आया ना ही क्वेश्चन मार्क आया सो इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट गॉट इट आपको पता चला किसे हम अभी क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन वाला सेंटेंस किसको बोलते आपको पता चल गया सो लेट मूव मूवर्ट अभी इसमें क्या दिया आपको थोड़ा क्वेश्चन वर्ड दिया है टू आस्क अबाउट अब आप कैसे पूछोगे वो भी दिया गया है और ये देखो इधर क्वेश्चन मार्क दिया गया है सी दिस इज नोन एज क्वेश्चन मार्क सो पहला आप क्वेश्चन वर्ड है और टू आस्क अबाउट कैसे आप पूछोगे और किसके बारे में पूछोगे सी वॉट किसी भी थिंग के बारे में पूछना है तो आप वर्ड यूज कर सकते हो लाइक वॉट इज योर बुक अबाउट आपकी बुक किस बारे में है लाइक वैन वी यूज फॉर टाइम मतलब वैन आर यू गोइंग टू कम आप कब आने वाले हो टाइम बताया वेर मतलब प्लेस वेर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हो वेर फ्रॉम यू कम आप कहाँ से आए प्लेस बताता है पर्सन बताए हु इज योर फ्रेंड हु इज योर हु इज़ योर ग्रैंड पा दैट पर्सन बताता है हु इज योर क्लास टीचर लाइक दैट पर्सन बताता है वाई रीज़न बताता है वाई आर यू सिक आप क्यों सीख हो आप क्यों बीमार हो वाई डोंट यू कम टू स्कूल क्यों आप स्कूल में नहीं आए ओके वाई यू वेंट दर आप क्यों उधर गए लाइक दैट रीज़न पूछता है फिर विच टू पॉइंट आउट वन पर्सन प्लेस और थिंग पॉइंट आउट करने के लिए विच यूज होता है विच प्लेस एग्जैक्टली पॉइंट आउट करते हैं मीन्स विच प्लेस डिड यू गो आप कौन सी जगह गए थे विच पर्सन डिड यू मिल कौन से पर्सन से आप मिले विच थिंग डिड यू ब्रॉड कौन सा चीज़ आप खरीद के लाए राइट ला, सो right? so ये पॉइंट करता है पर्सन में थिंग में और प्लेस में देन हाउ मतलब कैसे द वी इन विच समथिंग इज डन मीन्स कैसे हुआ हाउ यू कम आप कैसे आए लाइक दैट हाउ विल यू गो आप कैसे जाओगे लाइक like दैट जाना आना किससे जाना है कैसे जाना है वो हमें हाउ में बताता था हाउ मच ये क्वांटिटी दिखाता है हाउ मच मिल्क डू यू प्रिफर आपको कितना मिल्क चाहिए हाउ मच वाटर डू यू नीड आपको कितना पानी चाहिए लाइक दैट क्वान्टिटी बताता है हमको फिर हाउ मैनी नंबर्स बताता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर दैर कितने स्टूडेंट है हाउ मैनी टीचर्स आर दैर कितने टीचर्स है हाउ मैनी चॉकलेट्स आर दैर कितने चॉकलेट्स हैं हाउ मैनी बुक्स आर दैर इन योर सिलेबस इन योर स्टैंडर्ड लाइक दैट हाउ हम नंबर्स इंडिकेट करने के लिए करते हैं कोई भी थिंग और प्लेस का गट इट सो नीचे एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है सी आंसर द क्वेश्चन ये आपको आपके अपने आप से करना होगा ओके व्हाट इज योर नेम माय नेम इज वो आपको लिखना है आपका जो भी नाम है ये ब्लैंक में लिखना है ओके व्हाट इज योर नेम डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क है सो इट इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस जब आप माय नेम इज आंसर दोगे तो वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा देन हाउ ओल्ड आर यू आई एम डैश योर ओल्ड अब कितने साल के हो वो लिखो इधर फिर थर्ड में विच इज योर फेवरेट कलर माई फेवरेट कलर इज जो आपका फेवरेट कलर है वो लिखना है वाट इट फिर ओके okay, सो so ये आज का आपका होमवर्क रहेगा ये आंसर द क्वेश्चन है ना ये आपको होमवर्क में लिखना है दट वॉट इज योर नेम हाउ ओल्ड आर यू एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो के फिर आप लिखना फिर इधर लर्न दिया गया वॉट इज दर मोस्ट क्वेश्चन हैव द वर्ड्स हाउ वॉट य हु वैन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको बताया हम क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एंड क्वेश्चन वर्ड्स कौन से है हाउ वॉट वेर वाई हू विच और वैन ये सब क्वेश्चन वाले वर्ड हैं ओके सो so, आज का आपका होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन आंसर लिखना है आपको एंड उसके साथ ही आपको क्वेश्चन वाले वर्ड लिखने हैं ये जो वर्ड्स दिए गए क्वेश्चन वाले ये आपको फेयर बुक में लिखना है वॉट वैन वेर हुई वीच हाउ हाउ मच हाउ मैनी ओके ये आपको वर्ड लिखना है आपकी बुक में थ्री थ्री टाइम्स और आपको लर्न बाय हार्ट करना है और आपको याद रखना है कि डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं गट इट So that's it for today. Bye bye and have a good day.